दिल्ली की आम गलियों में घंटों घंटों तक क्रिकेट खेलने वाला एक आम सा लड़का आज कुछ घंटे क्रिकेट खेलने का करोड़ों रुपए चार्ज करता है। एक इंडियन मिडिल क्लास लड़का मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके 10 सेकंड से भी कम टाइम में अपने वतन अपने देश के लिए जेवलिन थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है और मसीहा बन जाता है उस देश का, जहाँ लोग जेवलिन का नाम तक नहीं जानते थे। उसेन बोल्ट 115 सेकंड में $120 बिलियन कमा लिए। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? आम से दिखने वाले ये इंसान इतने कम टाइम में इतना कैसे कमा सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो वो इन सारे सवालों का एक सीधा सा जवाब है, वो है इनके वक्त की इन्वेस्टमेंट। इन्होंने सही टाइम पर सही जगह पर अपने वक्त को इन्वेस्ट किया था और रिजल्ट आपके सामने है। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम सही टाइम पर अपने वक्त को इन्वेस्ट नहीं कर पाते और फिर भटकते रहते हैं जिंदगी भर इधर उधर। कुछ ऐसा ही किस्सा है पाब्लो पिकासो का। एक बार एक लेडी पिकासो के पास आई और पिकासो से एक पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए कहती। पिकासो ने महज कुछ सेकंड में एक पेंटिंग ड्रॉ करके उस लेडी को दे दिया और देते वक्त उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग $1 मिलियन की है। उस पेंटिंग को देखकर उस लेडी को लगा कि पिकासो उससे मजाक कर रहे हैं। उसने बाहर जाकर के कुछ लोगों को वो पेंटिंग दिखाई एंड इसके बाद जो हुआ वो लेडी चौंक गई, बिकॉज वो पेंटिंग सच में लोग लाखों रुपए में खरीदने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो लेडी तुरंत पिकासो के पास आती है और पिकासो से कहती है कि आप इतने कम टाइम में इतनी कीमती पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो इस पर पिकासो का जवाब था कि ये मेरे एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके पीछे मेरे सालों की मेहनत है। ये सक्सेस कोई एक दिन की नहीं है, इसके पीछे मैंने अपनी जिंदगी के सालों खर्च कर दिए। दुनिया को ये सक्सेस ओवरनाइट लगती है, बट उस सक्सेस के पीछे उन लोगों ने अपनी जिंदगी के सालों के साल खर्च कर दिए थे। तब जाके कोई इंसान अपने ड्रीम अपने डिजायर को अचीव करता है, क्योंकि किसी भी इंसान को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, सालों के साल लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा उसेन बोल्ट का। जब उसेन बोल्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं, तब उनसे एक रिपोर्टर ने कहा था आपको ये सक्सेस रातों रात मिल गई है। तब इस बात का जवाब देते उसेन बोल्ट ने कहा था हाँ ये रात बहुत लंबी है बॉस, ये दुनिया सिर्फ आपकी कामयाबी देखेगी आपकी मेहनत नहीं देखेगी, बिकॉज सक्सेस से पहले का कोई सीक्रेट नहीं होता, लेकिन सक्सेस के बाद सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। इसीलिए जब बात आए वक्त की तो इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करो, कुछ ऐसा इन्वेस्ट करो जहाँ करोड़ों में रिटर्न्स मिले। अपने वक्त अपने टाइम को कभी भी वेस्ट मत करना, बिकॉज अगर आप अपने टाइम को अभी वेस्ट कर रहे हो तो यकीन मानो आप अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त जिंदगी गुजर जाने के बाद भी नहीं मिलता। इसीलिए नई नई चीजों को सीखो, नई नई स्किल्स पर फोकस करो, अपने आप पर वर्क करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स रीड करो। जितनी चीजों को जानोगे जितनी नई चीजों पर फोकस करोगे नए लोगों से मिलो अपने बात करने के तरीके को बदलो, क्योंकि वक्त की सही इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी बदल डालती है।